तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है कौनी गेम प्ले वीडियो में। इस वाले मैच में मैं कहता हूँ डुओ स्क्वाड, और आज यहाँ पर मैं हूँ स्टेडियम के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं स्टेडियम के अंदर आ तो जाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर बंदे भाई एक भैया आते, तो यहाँ पर भाई हमें थोड़ी बहुत लूट करनी होती है, और उसके बाद इस वाले मैच में तबाही तो आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई बस देखना। फिलहाल जो है बात करें इस वाले मैच की, तो भाई इस वाले मैच के एंडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, तो वो देख कर जाना। और यहाँ पर भाई इस वाले मैच में मैं ग्रोजअप यूज करने वाला हूँ, तो वो भी देख कर जाना, मतलब ग्रोजअप से भी बंदे निपटाए तुम्हारे भाई ने। अब देखो इस वाले मैच में यहाँ पर स्टेडियम में उतर जाता हूँ, और यहाँ पर भाई सारी लूट करने के बाद मतलब थोड़ी देर में सारी की सारी हो जाते हैं हमारी, और उसके बाद सबसे पहले पहुंचते हैं गाड़ी के पास, उसके बाद गाड़ी किसी दिन निकलेंगे बंदूक की तलाश में। अब इससे पहले कि भाई वीडियो में आगे बढ़े, बंदों को निपटाना स्टार्ट करें, भाई बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। अगर आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अटक गए या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो भाई आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपके लिए यहाँ पर डाउट नट है अभी। तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना, क्रॉप करना, और आपको भाई इसी एप्लीकेशन में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या फिर छठी से बारहवीं तक के सवाल हो, सबका आंसर आपको यहीं पे डाउट नट ऐप पे मिलेगा। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा यही डाउट नट ऐप पर। साथ ही यहाँ पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रहे लाइव क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी कि भाई सारी की सारी पढ़ाई डाउट नट ऐप पर। और डाउट नट पर भाई 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई आप भी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, अभी के अभी जाके इंस्टॉल करो। फिलहाल यहाँ पर हमने बोर्ड्स को भी निपटा लिया था, उसके बाद सबसे पहले हम गाड़ी को उठाते हैं, और भाई उसके बाद सीधा निकल लेते हैं ड्रॉप के पास, क्योंकि भाई देखो हमें तो पता नहीं बंदे कहाँ पर मिलेंगे कहाँ पर नहीं मिलेंगे, और इधर उधर जाके भाई बंदों को क्यों ढूंढे, जबकि भाई सामने ड्रॉप गिरे हुए, और भाई ड्रॉप के पास मैक्सिमम भाई बंदे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे गाड़ा के सबसे पहले ड्रॉप के पास जाता है, मतलब सबसे लेफ्ट साइड से आता है, क्योंकि भाई मतलब रेड जोन था इधर सेंट्रल रोड की साइड, तो पहुंचते सीधा बंदों के पास। लेकिन भाई ये जो रेड जोन है ना, मतलब यहाँ पर भी पीछे नहीं छोड़ता, मतलब आगे से फिनिश होकर भाई यहाँ पर बन जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सेफली पहुंच जाते हैं सीधा ड्रॉप के पास। और लकीली यहाँ पर जैसे हम ड्रॉप के पास पहुंचते बस जस्ट सामने देखना आपको एक यूएस लगी हुई दिख जाएगी, और यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। तो आगे में जाकर अपनी गाड़ी रोक लेता, उसके बाद क्या होता है कि वो बंदे भी हमें देख लेते, तो यहाँ पर भी ऐसा भी नहीं था कि वो बंदे किसी और स्क्वाड से फाइट लेने में व्यस्त हो, और यहाँ पर हम पीछे से आके मार दें, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन बंदों ने हमें देख लेता प्रॉपर, और उन बंदों ने शायद से ऑलरेडी ये वाला ड्रॉप लूट रखा था, और भाई ड्रॉप में क्रूज आती, तो थोड़ा सा अलर्ट हमें भी रहना था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले छत पर जाता, और वहां से एंगल वेंगल बनाने की ट्राई करता, मतलब क्या पता एक बंदा दिख जाए और मैं उसे नॉक कर दूं, तो भाई क्लोजिंग करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। अब इस वाले बंदे का ध्यान से मेरे टीममेट के ऊपर था, और जैसे ही वाला बंदा पीक करता है मेरे टीममेट को मारने के लिए, इस बंदे को मैं नॉक कहता हूँ इजीली, और उसके बाद बारी थे सीधा क्लोजिंग करने की। लेकिन भाई क्लोज में तो क्रोजर चल रही थी, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा बच के भी रहना था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले एक नेट कुक करता है, क्योंकि भाई सामने की तरफ एक स्मोक दिख गया होगा आपको, तो मेरे को लगा था कि यहाँ से मैं एक बंदे को फोड़ सकता हूँ, तो मैं ऐसे मतलब रैंडम नेट फेंक देता हूँ, लेकिन बस देखो अब जिस बंदे को मैंने नॉक किया था ग्रेनेड से, वो बंदा मतलब ग्रेनेड से ही फिनिश हुआ था। उसके बाद जिस बंदे को मैंने दूर से नॉक किया था, वो बंदा ऊपर बैठ के रिवाइव हो रहा था, तो भाई सीधा क्लोजिंग करता हूँ मैं। और फाइनल पर इसी के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारी थी। और भाई सबसे पहले इस वाले क्लच के लिए जाके आप लोग लाइक करो, और जिसने भी लाइक कर रखा है ऑलरेडी मतलब चैनल पे ना हो, तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ, मतलब ग्ली सूट वाले को मैंने थोड़ा डैमेज दिया था, उसके बाद मैं सोचता कि ऊपर चढ़ के नॉक कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ भाई स्कैम होने से बच जाता है मेरे साथ। मतलब एक बंदा बालकनी के अंदर टीपे भी लेता, और दूसरा रेड ड्रेस वाला बंदा भाई कमरे के अंदर टीपे भी लेता, तो यहाँ पर भाई बार बार बच जाता हूँ। और एक टाइम के लिए मेरे टीममेट ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था, लेकिन भाई एट द एंड कैसे भी वहाँ पर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। उसके बाद इस वाले स्क्वाड का क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जस्ट सामने मेरे को पार से कुछ गन्स आ रहे थे, और भाई एक बंदा भी दिखता है मुझे।
अब दो बंदे तो दिखे गए थे मुझे सामने की तरफ, तो मुझे यहाँ पर लगा था कि मैं पूरे के पूरे स्क्वाड है, लेकिन मैं उन बंदों को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि भाई हमारे पीछे की साइड बंदे आ चुके थे और भाई इस बात का कॉल मुझे मेरा टीममेट देता है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे क्लोज इन करने लग जाता हूँ। देखो यहाँ पर जो पीछे वाली स्क्वाड थी उन बंदों का ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब वो शायद किसी दूसरे स्क्वाड से फाइट ले थे, तो यहाँ पर हमारे पास अच्छा मौका था कि भाई पीछे आके धप्पा कर दो उन बंदों को। और यहाँ पर भाई एक IQ नेट जो आपको देखने को मिलने वाला ना भाई, मतलब मजा आने वाला आप लोगों को, तो बस इंजॉय करो यहाँ पर। अब शायद पीछे की साइड मतलब एक और स्क्वाड रह रही थी और ये बंदे छत के ऊपर लेट कर भाई उन बंदों को खतरनाक वाला स्प्रे देने की ट्राई कर रहे थे। और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं था कि भाई पीछे मार किसको रहे थे, क्योंकि भाई वो बंदे तो हमें मिलते नहीं है। खैर यहाँ पर भाई इसके एक और टीममेट रह रहा है जो कि भाई पीछे से धप्पा करने के लिए आने ही वाला है, तो बस इंजॉय करना। और यहाँ पर ये बंदा सच बता रहा हूँ मुझे बहुत ही लगा था, लेकिन भाई स्कैम होते होते बच जाते क्योंकि भाई बंदे के पास स्ट्रेल की होती है। अब ये बंदा भी यहाँ पर नॉक होता तो भाई इसका लास्ट टीममेट यहीं पर हो सकता है और ये शायद से इसी वाली स्क्वाड का बंदा था, तो यहाँ पर भाई लास्ट बंदा अभी बचा हुआ, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना था हमें। तो भाई उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब आगे की साइड आ जाते और मतलब ध्यान तो थोड़ा सा पीछे ही था क्योंकि और भी बंदे हो सकते थे पीछे की साइड। फिलहाल पर हम उन बंदे को इग्नोर करते और गाटा के सबसे पहले जोन के अंदर जाते हैं क्योंकि हम जोन से काफी ज्यादा दूर तो नहीं थे, मतलब पास में थे, लेकिन भाई हमें ढूंढने थे बंदे, तो हम सबसे पहले पहुंचते पहाड़ी की साइड क्योंकि भाई पहाड़ ना मतलब बिल्कुल जोन के सेंटर में था, तो वहां पर बंदे भी थे, तो भाई पहुंच के सीधा किल्स उठाते हैं। अब गाड़ी में यहीं पे रोक लेता हूं क्योंकि भाई उन बंदों को पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर हम आ चुके हैं, मतलब बिल्कुल सरप्राइज करेंगे इन बंदों को। अब ये जो हमारा प्लान था भाई पूरी तरह से तो सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि भाई दो ही बंदे थे ऊपर की साइड और यहाँ पर जैसे एक बंदे को नॉक करते हैं उसको दूसरे बंदे का ध्यान हमारी तरफ ही होता है, तो निपटाते इन बंदों को भी। अब क्योंकि ये वाला बंदा भी यहाँ पर नॉक करता था भाई स्क्वाड टीममेट्स होंगे यहाँ पर, लेकिन भाई ऊपर की साइड तो केवल दो ही बंदे मिलते हैं हमें, तो यहाँ पर भाई एक और बंदे को मैंने नॉक किया था जिसे मैं मतलब ढूंढ रहा था थोड़ी देर से, लेकिन वो बंदा तो मुझे मिलते नहीं, लेकिन भाई उस बंदे का किल थोड़ी देर में कंफर्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर सामने की तरफ इस वाले स्क्वाड के साइड से और भी बंदे रह रहे थे जो कि भाई ट्रॉली पे चढ़े हुए थे, तो यहाँ पर तो हमारे सबसे पहले एंगल बनाता है, लेकिन ये बंदे मतलब ट्रॉली वाले किसी और बंदों को मारते और जैसे मेरे को बंदे दिखते हैं वो भी बिल्कुल ओपन में, मतलब बस देखो क्या करते हैं बंदों के साथ। अब इन बंदों को फिनिश करने के बाद मुझे यहाँ पर लगा था कि भाई जिस पहले वाले बंदे को मैंने नॉक किया था उस बंदे का किल मुझे मिल चुका है, लेकिन भाई उस बंदे का किल शायद से चोरी वोरी हो चुका था क्योंकि अभी तक उस बंदे का किल मुझे नहीं आया था। अब देखो सामने ट्रॉली के पास तो बंदे थे, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड पीछे के साइड भी बंदे आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है, तो यहाँ पर मैं अपने टीममेट के लिए मार्क लगाया था क्योंकि पीछे के साइड भी बंदे आ चुके हैं और मुझे नहीं पता था कि पीछे के साइड कितने बंदे, तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल अलर्ट था, तो यहाँ पर मैं सारे नेड मोली मतलब आगे जाकर फेंकने लगता हूँ क्योंकि भाई मुझे बंदे की लोकेशन भी शायद से दिख चुकी थी क्योंकि भाई वो बंदा मतलब थोड़ी सी झलक दिखाता अपनी, तो यहाँ पर बस देखना। और नेट फेंकते फेंकते मुझे यहाँ पर जिस बंदे का किल चोरी हुआ लग रहा था भाई उस बंदे का भी किल भी मुझे कंफर्म हो जाता है और जैसी मेरी नजर अलाइव पर जाती है बंदे यहाँ पर केवल एक ही बचा हुआ था जो कि भाई हमारे जस्ट सामने ट्रॉली वाला बंदा बचा हुआ था, तो यहाँ पर भाई सारे के सारे बंदे पता नहीं कैसे कहाँ पर मर जाते हैं। फिलहाल जो है सभी बंदों को इग्नोर करते हैं, भाई लास्ट का जो बंदा बचा हुआ है जो कि भाई ट्रॉली वाला है, तो भाई उसे जाकर निपटाते हैं और लेते इस वाले मैच में चिकन है। और भाई एक बंदा तो जो कि नीचे की साइड कूद कर मर चुका है उस बंदे की क्रेट दिख रही थी यहाँ से मुझे, तो मतलब उसे देखने के बाद सबसे पहले मैं सामने की तरफ उस बंदे को निपटाने के लिए आता हूँ, तो बस देखना। ट्रायल की होगी उसके वास्ते। और मैं अपने टीममेट को बोल रहा था कि भाई इस वाले बंदे को मारना मत क्योंकि भाई मैं पेन से मारने जा रहा हूँ, लेकिन
भाई मतलब सच बोला था मेरे टीममेट ने कि भाई इस 12 के है उस बंदे के पास और हो भी सकती है, तो यहाँ पर भाई इसलिए मैं ग्रोजर लेके जाता हूँ और भाई क्लोजिंग करके निपटा है तो उस बंदे को। और ये थी आज की गेम प्ले, मैं कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर चले पाना, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऊपर आगे ऐसे तो बड़ी गेम प्ले देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं हम तो नेक्स्ट गेम प्ले तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।